17 जून साल 1885 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक विशालकाय प्रतिमा है। यह मूर्ति एक रोमन स्वतंत्रता देवी की है। इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक बार्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया। इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कार्य साल 1876 में शुरू कर दिया गया था। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य लगभग 10 साल में पूर्ण हुआ। अक्टूबर 1886 को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को स्थापित किया गया। इस प्रतिमा को फ्रांस के लोगों ने अमेरिका को उपहार स्वरूप भेंट किया। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर धन खर्च किया था। यह प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में स्थित है, जिसे समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों के स्वागत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।